आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मगध के बारे में। ठीक है, मगध उस टाइम का अपने आप में एक सबसे बड़ा आप बोल सकते हो महाजनपद था। तो इसी महाजनपद के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मगध जो है ये अलग अलग बेसिस पे इसको भी डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपका आता है प्री मौर्यन पीरियड। ठीक है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के पहले का जो टाइम था उस टाइम पे क्या क्या आई, कौन कौन सी डायनेस्टीज आई। ठीक है, अभी हम डायनेस्टीज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी डायनेस्टीज जो थी वो आई, पहले कौन सी डायनेस्टी थी, देन कौन उसके बाद कौन सी डायनेस्टी ने उसको सक्सीड किया। फिर उसके बाद मौर्यन पीरियड में पढ़ेंगे। ठीक है, मौर्यन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके सक्सेसर्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि वो अपने आप में एक सबसे बड़ी डायनेस्टी थी। उसके बाद हम मौर्यन पीरियड के बाद में कौन कौन सी डायनेस्टीज आई उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो अभी तक हम एंशियंट ही कर रहे हैं, एंशियंट में सबसे पहले हम करने जा रहे हैं प्री मौर्यन पीरियड। ठीक है, एंशियंट में ही हमारा चल रहा भी प्री मौर्यन पीरियड। प्री मौर्यन पीरियड में अगर बात की जाए सबसे पहले डायनेस्टी की, तो सबसे फर्स्ट डायनेस्टी जो कि प्री मौर्यन पीरियड में आई थी वो थी, उस डायनेस्टी का नाम था हरिंद डायनेस्टी। ठीक है, सबसे पहली डायनेस्टी जो आई थी वो डायनेस्टी थी आपकी हरिंद डायनेस्टी, इट वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी। ठीक है, अब हरिंद डायनेस्टी जो है इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर थे बिंबिसार। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर थे बिंबिसार। बिंबिसार वाज द फाउंडर ऑफ हरियंक डायनेस्टी। ठीक है, अब हरियंक डायनेस्टी जो है इसका टाइम पीरियड कहां से लेके कहां तक चला, इसका टाइम पीरियड था 554 बीसी से लेके 412 बीसी तक। ठीक है, हरियंक डायनेस्टी के जो रूलर्स थे ठीक है, हरियंक डायनेस्टी पूरी जो थी वो चली 544 बीसी से लेके 412 बीसी तक। ठीक है, और अगर हम अकेले बिंबिसार के टाइम पीरियड की बात करें कि बिंबिसार का टाइम पीरियड कहां से लेके कहां तक था, तो बिंबिसार का टाइम पीरियड था आपका 544 से लेके 492 बीसी तक। ठीक है, ये था अकेला बिंबिसार का टाइम पीरियड। ठीक है, तो बिंबिसार जो थे ये फाउंडर थे हरियंक डायनेस्टी के। बिंबिसार के टाइम पे अब मगध का हमें पता है कि मगध की तीन कैपिटल्स थी, एक थी आपकी राजगृही, फिर थी वैशाली और फिर थी पाटलिपुत्र। ठीक है, तो ये जो तीन कैपिटल्स थी ये किस तरह से बनी, ये जो तीन कैपिटल थी मगध की, जब बिंबिसार ने फाउंडेशन रखी हरियंक डायनेस्टी की मगध में, ठीक है, जब मगध में हरियंक डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी उस टाइम पे बिंबिसार ने सबसे पहले कैपिटल बनाया राजगृह को। ठीक है, सबसे पहले जो कैपिटल बनी मगध की वो बनी राजगृह। ठीक है, बिंबिसार ने फाउंडेशन रखी और उसकी इसने कैपिटल जो थी वो बनाई राजगृह। और बिंबिसार के टाइम पीरियड पे ही जो गौतम बुद्ध थे इनका भी टाइम पीरियड चल रहा था, ही वाज कंटेम्पररी टू बुद्ध। ठीक है, जब बिंबिसार का टाइम पीरियड चल रहा था, मतलब हरियंक डायनेस्टी में बिंबिसार का टाइम पीरियड चल रहा था, उसी टाइम पे जो गौतम बुद्ध है उनका भी टाइम पीरियड चल रहा था, मतलब बुद्धिज्म भी इसी टाइम पे चला। ठीक है, अब जो बिंबिसार है इन्होंने क्या किया, इन्होंने अटैक किया अंग के ऊपर, अंग भी आपका एक महाजनपद है। ठीक है, अंग के ऊपर अटैक किया एंड एडेड इट टू मगध। ठीक है, अंग के ऊपर अटैक किया, उसको क्या किया, उसको मगध के बीच में ऐड कर दिया। ठीक है, फिर इनका
इनका एक फिजिशियन भी था, ठीक है, इनका एक फिजिशियन भी था जिनका नाम था जीवक, ठीक है, इनका एक फिजिशियन भी था जिनका नाम था जीवक, ठीक है। अब ये जो बिंबिसार है इनको मारा गया, he was killed by his own son, ठीक है, इनको अपने बेटे ने ही मार दिया। और इनके बेटे का नाम क्या था, तो उसका नाम था अजातशत्रु, ठीक है। जैसे ही अजातशत्रु ने अपने फादर को मार दिया, तो अजातशत्रु ने, जो अजातशत्रु था वो नेक्स्ट सक्सेसर बन गया इसी डायनेस्टी का, इसी हरिंक डायनेस्टी का, ठीक है। पहले बिंबिसार थे, बिंबिसार ने फाउंडेशन रखी हरिंक डायनेस्टी की, सबसे पहले डायनेस्टी बनी आपकी हरिंक डायनेस्टी, जिसकी फाउंडेशन रखी बिंबिसार ने। और बिंबिसार को मारा उसके अपने ही बेटे ने, अजातशत्रु ने। और जैसे ही अजातशत्रु ने बिंबिसार को मार दिया, उसको किल कर दिया, तो उसको किल करने के बाद जो अजातशत्रु है वो आगे नेक्स्ट जो हरिंक डायनेस्टी का सक्सेसर है वो बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे बिंबिसार का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है हरिंक डायनेस्टी में, और यहाँ से किसका टाइम पीरियड शुरू होता है, यहाँ से टाइम पीरियड शुरू होता है आपके अजातशत्रु का, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो सक्सेसर आया हरिंक डायनेस्टी में वो कौन था, अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु था कौन, ही वाज द सन ऑफ बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार का बेटा था। अब अजातशत्रु के टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ, अजातशत्रु का जब टाइम पीरियड चल रहा था इस टाइम पीरियड में, ठीक है, इस टाइम पीरियड में हमें गौतम बुद्ध के बारे में भी जानकारी मिलती है, ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में भी जानकारी मिलती है एंड महावीर स्वामी की भी जानकारी मिलती है, ठीक है। इसी टाइम में गौतम बुद्ध भी थे और महावीर स्वामी भी इसी टाइम पीरियड में थे, ठीक है। तो जब गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी इसी टाइम पीरियड में थे, तो जो अजातशत्रु है इसी के टाइम पीरियड में क्या हुई, गौतम बुद्ध की डेथ हुई, ठीक है, गौतम बुद्ध की डेथ हुई आपकी। और जैसे ही गौतम बुद्ध की डेथ हुई, तो जो अजातशत्रु है उसने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो वो बुलाई, ठीक है, इसी के टाइम पीरियड में डेथ हुई किसकी, गौतम बुद्ध की, ठीक है, कब हुई, 483 बीसी में। और जैसे ही वो गौतम बुद्ध की डेथ हुई, तो अजातशत्रु ने क्या किया, इसी ने फर्स्ट मीटिंग बुलाई, सबसे पहली जो मीटिंग हुई थी, जो सबसे पहले बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो 483 बीसी में हुई थी, ठीक है। और बुलाई किसके द्वारा गई थी, अजातशत्रु के द्वारा ये बुलाई गई थी, ठीक है। सबसे पहले मीटिंग हुई, हुई कहां पे थी ये मीटिंग, तो ये मीटिंग हुई थी आपकी, ये मीटिंग हुई थी आपकी राजगिरी में, ठीक है। तो मगध की कैपिटल थी राजगिरी, राजगिरी में क्या हुई, सबसे पहली बुद्धिस्ट मीटिंग हुई जो कि बुलाई गई अजातशत्रु के द्वारा, ठीक है। अब अजातशत्रु जो है इसको ये मारा गया, killed by his own son, ठीक है, इसको भी अपने ही बेटे के द्वारा मार दिया गया। और इसके बेटे का नाम था उदयन, ठीक है, इसके बेटे का नाम था उदयन। उदयन के द्वारा क्या किया गया, अजातशत्रु को मार दिया गया, ठीक है। अब जैसे ही उदयन ने अजातशत्रु को मारा, तो नेक्स्ट जो सक्सेसर है हरिंक डायनेस्टी का, ठीक है, नेक्स्ट जो थ्रोन पे बैठेगा वो कौन बैठेगा, भी उदयन बैठेगा, ठीक है। तो जैसे ही अजातशत्रु को मारा, तो उदयन जो है वो नेक्स्ट सक्सेसर बन गया आपका हरिंक डायनेस्टी का, ठीक है। पहले था बिंबिसार जो कि फाउंडर था इसी डायनेस्टी का, फिर बना अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बाद बना आपका उदयन। अब उदयन ने कौन कौन से काम किए, तो उदयन ने क्या किया, सबसे पहले इसने क्या किया, इसने एक सिटी बनाई, इस
इसने क्या किया, एक सिटी बनाई, कौन सी सिटी बनाई इसने, पाटलिपुत्र, ठीक है, एक शहर बनाया जिस शहर का नाम क्या रखा इसने, पाटलिपुत्र रखा। और इसी ने जब पाटलिपुत्र नाम का शहर बनाया तो उसके बाद इसने क्या की, जो कैपिटल थी, जो मगध की कैपिटल थी वो क्या की, शिफ्ट कर दी राजगृह से कहां पे, पाटलिपुत्र, ठीक है। इसके बाद क्या हुई, जो कैपिटल थी मगध की वो राजगृह से कहां चली गई, राजगृह से वो शिफ्ट होके पाटलिपुत्र बन गई, ठीक है। अभी उदयन जो है इसके बाद और भी बहुत सारे रूलर्स हुए, ठीक है, जो इनके बारे में इंफॉर्मेशन है बस उसी को हमें डिस्कस करना है, जो मेन इंफॉर्मेशन है उसी को डिस्कस करना है। तो उदयन के बाद नेक्स्ट इसके बाद और भी बहुत सारे रूलर्स हुए, ठीक है। और हमने इसमें याद रखना है सिर्फ आपका लास्ट रूलर, ठीक है, इस डायनेस्टी का, हर्यंक डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर कौन था, तो इस डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर था नागदशिक, इस डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर था नागदशिक। और जैसे ही नागदशिक जो है उसको मारा गया, ठीक है, इसको किसने मारा, इसका अपना ही एक मंत्री था, ठीक है, इसका एक मिनिस्टर था, इसका मिनिस्टर था, उसका नाम था शिशुनाग, ठीक है, इसका ही एक मिनिस्टर था जिसका नाम था शिशुनाग, इसका एक मिनिस्टर था जिसका नाम था शिशुनाग। तो शिशुनाग ने क्या किया, उसने नागदशिक जो कि लास्ट रूलर था हर्यंक डायनेस्टी का, ठीक है, उसको मार दिया। जैसे ही शिशुनाग ने नागदशिक को मारा तो नागदशिक को मारते ही नेक्स्ट जो डायनेस्टी आपकी आई फॉर्म में, वो कौन सी डायनेस्टी आई आपकी, शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है। इसने अपने ही नाम पे क्या किया, एक नई डायनेस्टी बना दी जिसको नाम दिया गया शिशुनाग डायनेस्टी का। नेक्स्ट आपकी जो डायनेस्टी आई सेकंड डायनेस्टी वो कौन थी, कौन सी थी, शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है। तो अभी हमारे पास पहले हमने की सबसे पहले डायनेस्टी हर्यंक डायनेस्टी, हर्यंक डायनेस्टी में सबसे पहले हमारे पास आए बिंबिसार, ठीक है, जो कि इसका फाउंडर था। बिंबिसार के बाद नेक्स्ट जो आया वो था अजाशत्रु, ठीक है, अजाशत्रु ने क्या क्या किया ये भी हमने देख लिया। फिर अजाशत्रु को मारा उसके अपने बेटे ने उदयन ने, और उसके बाद नेक्स्ट थ्रोन पे बैठा उदयन, ठीक है। तो उदयन के बाद आगे और भी बहुत सारे तीन सक्सेसर्स आए इसके, ठीक है, तो उसमें से जो लास्ट वाला था वो था आपका नागदशिक, ठीक है। और जब लास्ट वाला जो था नागदशिक जो था उसको मारा उसके खुद के मिनिस्टर ने, मिनिस्टर का नाम था शिशुनाग। और जैसे ही शिशुनाग ने नागदशिक को मारा उसके बाद उसको मारते उसने नेक्स्ट डायनेस्टी बनाई जिसको नाम दिया गया शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है। तो जो दूसरी डायनेस्टी आई फॉर्म में वो कौन सी डायनेस्टी थी आपकी, वो थी आपकी शिशुनाग डायनेस्टी। और इसके फाउंडर कौन थे, फाउंडर थे इसके, फाउंडर का नाम था शिशुनाग, ठीक। नेक्स्ट डायनेस्टी आई आपकी शिशुनाग डायनेस्टी और इस डायनेस्टी के फाउंडर का नाम था शिशुनाग, ठीक है। अब शिशुनाग जो है इसका इसने क्या क्या किया, ठीक है, तो शिशुनाग ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले इसने किया शिफ्टर कैपिटल, ठीक है, कैपिटल को शिफ्ट करने का काम किया। पहले राजगृह से बनी थी पाटलिपुत्र, अब पाटलिपुत्र से कहां पे ट्रांसफर हुई, पाटलिपुत्र से ट्रांसफर हुई है वैशाली, ठीक है। इस तरह से इसकी जो तीन कैपिटल्स हैं वो नाम में आई, ठीक है, क्योंकि अलग अलग रूलर जो हैं उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो कैपिटल्स थे उनको चेंज किया था, इसलिए मगध के हम तीन कैपिटल्स पढ़ते हैं, वैशाली, पाटलिपुत्र और राजगृह, ठीक है। तो शिशुनाग जब नेक्स्ट रूलर बन के आया मगध का तो उसने क्या किया, उसने अपने अकॉर्डिंग जो कैपिटल थी उसको चेंज किया, ठीक है, कैपिटल पहले पाटलिपुत्र थी वहां से ट्रांसफर करके उसको कहां पे कर दिया, वैशाली जो थी वहां पे उसकी कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसने ये काम किया, कैपिटल जो थी वो ट्रांसफर कर दी वैशाली में।
ठीक है, जब वैशाली में कैपिटल ट्रांसफर होगी, ठीक है, ये इसका एक इम्पोर्टेंट काम था, ये हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो सक्सेसर बना, नेक्स्ट जो इसका सक्सेसर बना वो बना जो नेक्स्ट थ्रोन पे बैठा है इसके बाद वो क्या था, उसका नाम था कालाशोक। ठीक, उसका नाम था कालाशोक जो नेक्स्ट इसके बाद थ्रोन पे बैठा। तो कालाशोक के बारे में हम एक चीज पहले भी देख चुके हैं कि कालाशोक जो है इसने ही क्या किया था, इसने ही क्या की थी, बुद्धिस्ट काउंसिल की थी। पहले शिशुनाग आया, फिर उसके बाद कालाशोक। अब कालाशोक के बारे में हमें ये पता है कि ये शिशुनाग का सक्सेसर था, उसका बेटा था, और इसने क्या की थी, इसने क्या की थी, इसी ने जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो बुलाई थी। ठीक है, तो कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल इसने बुलाई थी, इसने बुलाई थी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो बुलाई गई थी किसके द्वारा, कालाशोक के द्वारा। और ठीक है, ये हुई कहाँ पे थी काउंसिल, तो वैशाली इसकी कैपिटल थी मगध की, तो वैशाली में ही हुई थी। हुई कब थी, 483 BC में, 483 BC में हुई थी ये काउंसिल। ठीक है, अब और इसने अपने टाइम पे क्या क्या काम किया, इसने क्या किया, इसने जो कैपिटल है, कैपिटल को शिफ्ट किया, कैपिटल बन चुकी थी वैशाली, और वैशाली से शिफ्ट किया इसको पाटलिपुत्र में। ठीक है, इसने क्या किया, अगेन शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल किया। ठीक है, कैपिटल जो थी उसको अगेन शिफ्ट किया पाटलिपुत्र से, सॉरी वैशाली से पाटलिपुत्र में उसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, और ये जो डायनेस्टी थी, अब इसके बाद इसका जो सबसे लास्ट रूलर था, जो सबसे लास्ट रूलर था इस डायनेस्टी का, वो था आपका नंदीवर्धन। नंदीवर्धन जो है वो इस डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, और नंदीवर्धन जो है वो लास्ट रूलर क्यों था, क्योंकि इसको मारा गया था। ठीक है, इसको मारा गया था, किसने मारा था इसको, इसको मारा था महापद्मानंद ने। ठीक है, नंदीवर्धन को मारा गया था महापद्मानंद के द्वारा, महापद्मानंद ने नंदीवर्धन की, नंदीवर्धन को मार दिया। और जैसे ही महापद्मानंद ने नंदीवर्धन को मारा, वैसे ही जो शिशुनाग डायनेस्टी थी वो भी खत्म होगी। ठीक है, वो भी कंप्लीटली खत्म होगी। और इसके बाद कौन सी डायनेस्टी नेक्स्ट आई, तो इसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी आई आपकी नंद डायनेस्टी। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी डायनेस्टी आई थी हरिंग डायनेस्टी, हरिंग डायनेस्टी आई थी, देन उसको फॉलो किया था शिशुनाग डायनेस्टी ने, और इसको फॉलो किया गया किसके द्वारा, नंद डायनेस्टी के द्वारा। ठीक, अब आ चुकी है आपकी नंद डायनेस्टी। तो नंद डायनेस्टी की अगर हम बात करें, तो नंद डायनेस्टी जो है, जो आपकी नंद डायनेस्टी है, इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर थे महा पद्मानंद। ठीक है, इस डायनेस्टी के सबसे फर्स्ट थे वो कौन थे, बिंबिसार। इस डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे शिशुनाग, और ये वाली डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे महा पद्मानंद। ठीक है, तो फर्स्ट जो रूलर थे नंद डायनेस्टी के, जनंद डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे आपके, महापद्मानंद थे। ठीक है, तो
महापद्मा नंद जो थे वो आगे अभी नंद डायनेस्टी को लेके अपनी डायनेस्टी उन्होंने बना ली। तो ये जो नंद डायनेस्टी है इसके जो रूलर थे महापद्मा नंद, इसके बाद ऐसा माना जाता है कि इनके क्या थे, इनके 8 sons थे, 8 sons थे इनके, ठीक है। लेकिन उन 8 sons में बारी बारी करके सबने रूल किया, लेकिन उनमें जो सबसे ग्रेटेस्ट रूलर था वो था धनानंद, ठीक है। इनमें जो सबसे ग्रेटेस्ट रूलर था वो कौन था, वो था धनानंद, ठीक है। धनानंद सबसे ग्रेटेस्ट रूलर था और सबसे लास्ट भी था, ठीक है, और ये सबसे लास्ट भी था, ठीक है। तो धनानंद जो था ये इस डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। धनानंद को मारा गया किसके द्वारा, हम सभी जानते हैं, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इनको मारा गया, धनानंद को। धनानंद वाज किल्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको मारा, किसकी हेल्प से मारा, तो ये भी हम सभी को पता है, विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, चाणक्य की हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, धनानंद को मारा। और धनानंद को जैसे ही उन्होंने मारा तो इसके साथ ही जो प्री मौर्यन पीरियड है वो खत्म हो जाता है, और आगे कौन सा पीरियड स्टार्ट होता है, आगे होता है आपका मौर्यन पीरियड शुरू, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य अब आ चुका है मगध में, ठीक है। मगध का रूलर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य बन चुका है। जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य मगध का रूलर बना, वैसे ही मगध में मौर्य डायनेस्टी जो है उसकी स्थापना होगी, ठीक है। तो हम मौर्य पीरियड को ही लेके क्यों करते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य था इसके बारे में सभी जानते हैं, सबसे ग्रेटेस्ट रूलर था, ठीक है। एंशियंट टाइम की बात करें तो सिर्फ ये उस टाइम में सबसे ग्रेटेस्ट रूलर था, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को लेके ही उसके अकॉर्डिंग ही हम अलग अलग पीरियड पढ़ते हैं कि एक मौर्यन पीरियड होगा जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य है, एक होगा प्री मौर्यन पीरियड जो चंद्रगुप्त मौर्य से पहले हो चुका है, और दूसरा होगा आपका पोस्ट मौर्यन पीरियड जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्री मौर्यन पीरियड खत्म, ठीक है। तो अभी जो आपका प्री मौर्यन पीरियड चल रहा था, इसी टाइम पे कुछ फॉरेनर्स भी आए, ठीक है। फॉरेनर्स किसके लिए आए, अब फॉरेनर्स इन्वेड करने के लिए, आक्रमण करने के लिए, ठीक है। तो जब आपका यहाँ पे डायनेस्टी चल रही थी, मगध में डायनेस्टी शुरू हुई थी, उसी टाइम पे जो बाहर के लोग हैं, जो फॉरेन के लोग हैं, वो मगध में मतलब वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आक्रमण करने के लिए उसी टाइम पे आए थे, ठीक है। इसलिए ये भी चीज हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्यों इसको पढ़ते हैं, क्योंकि जिस टाइम में मगध में डायनेस्टीज चल रही थी, डायनेस्टीज की शुरुआत हो रही थी, उसी टाइम पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के किसी और पार्ट पे कोई बाहर से भी लोग आके आक्रमण कर रहे थे, ठीक है। तो पहली बार आक्रमण जो आपका हुआ वो इसी टाइम पीरियड में हुआ, इसलिए ये भी चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है कि किस डायनेस्टी के दौरान इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहला आक्रमण हुआ था, ठीक है। तो जो सबसे पहला आक्रमण हुआ, पहला जो इन्वेजन हुआ फॉरेनर्स का, वो हुआ आपका हरंग डायनेस्टी के टाइम पे, ठीक है। और सबसे पहले इन्वेजन किया किन्होंने था, सबसे पहले इन्वेजन किया पर्शियंस ने, ठीक है। पर्शियंस वर द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया, ठीक है। पर्शियंस पहले लोग थे जो कि इंडिया को इन्वेड करने के लिए आए थे, इंडिया पे आक्रमण करने के लिए आए थे, ठीक है। और अगर पर्शियंस में बात की जाए कि सबसे पहला कौन था, पहला पर्सन कौन था जिसने आक्रमण किया था, जो इन्वेड करने आया था, तो पर्शियंस में सबसे पहला था डेरियस फर्स्ट, ठीक है। पर्शियन में सबसे पहला था आपका, पहले सब कॉन्टिनेंट की बात कर लेते हैं, अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो सबसे पहला जो इन्वेडर था वो था आपका साइरस फर्स्ट,
टाइम पे पर्शियंस ने सबसे पहले इन्वेड किया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। तो जो सबसे पहला पर्शियन था, पहला ईरानी था जिसने की इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इन्वेड किया था, वो था साइरस फर्स्ट। और इसके बाद इसका सन आया डेरियस फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद आया इसका सन डेरियस फर्स्ट, और डेरियस फर्स्ट जो था वो इंडिया पे इन्वेड करने वाला पहला इन्वेडर था, ठीक है। इसने क्या किया था, मेनली इंडिया के ऊपर आक्रमण किया था, ठीक है। अब आक्रमण करके इन्होंने इंडिया के ऊपर कब्जा नहीं किया था, बस अटैक किया और वापस चले गए अपने ही देश में, ठीक है। तो जब इन्होंने अटैक किया इंडिया के ऊपर, तो उसके बाद जब अपने देश में वापस गए, तो तब इंडिया और पर्शिया के बीच में क्या रिलेशन बना, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिया और पर्शिया के बीच में ट्रेड शुरू हुआ, ठीक है। इस इन्वेजन के बाद ही इंडिया और पर्शिया के बीच में सबसे पहले ट्रेड शुरू हुआ, सबसे पहले उनके बीच में व्यापार जो था वो शुरू हुआ, ठीक है। अब इसी के साथ इंडिया में एक नई स्क्रिप्ट आई जिसका नाम था खरोष्ठी स्क्रिप्ट, ठीक है। पर्शियन अपने साथ इंडिया में एक नई स्क्रिप्ट लेके आए, नई लिपि लेके आए, जिसका नाम था खरोष्ठी लिपि या फिर खरोष्ठी स्क्रिप्ट, ठीक है। अब पर्शियंस का इन्वेजन हो गया। पर्शियन के बाद जो नेक्स्ट इन्वेज करने के लिए आए थे वो थे आपके ग्रीक्स, ठीक है। नेक्स्ट कौन आए थे, ग्रीक्स आए थे सेकंड नंबर पे इन्वेज करने वाले। ग्रीक्स में कौन था, तो ग्रीक्स में था अलेक्जेंडर, जो कि इंडिया पे इन्वेज करने के लिए आया था। और ये आया कहां से था, मैसिडोनिया से आया था, ठीक है। मैसिडोनिया से जब भी आया, पहले रास्ते में इसके पर्शिया आया, ठीक है। इंडिया पे आक्रमण करना था इसने, लेकिन रास्ते में इसके पर्शिया था, ईरान था, तो उसने क्या किया, पहले पर्शिया के ऊपर आक्रमण किया, वहां पे इन्वेड किया, उसको वहां पे जो डायनेस्टी चल रही थी उसको खत्म किया, और उसके बाद नेक्स्ट इंडिया के ऊपर अटैक किया। तो नियर अबाउट 326 BC में ये इंडिया में पहुंच गया झेलम नदी के किनारे, और इसी टाइम पे हुआ बैटल ऑफ वितस्ता, बैटल ऑफ वितस्ता या फिर बैटल ऑफ हाइडस पीस भी नाम इसको दिया जाता है, ठीक। और ये जो वितस्ता और हाइडस पीस नाम है, ये झेलम नदी के नाम, ठीक है, झेलम नदी के किनारे आया, तो झेलम नदी के किनारे ही बैटल हुई, ठीक है। और इसी बैटल को नाम दिया गया बैटल ऑफ वितस्ता या बैटल ऑफ हाइडस पीस। ये बैटल हुई किन के बीच में, तो ये हुई अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में ये बैटल हुई, जिसमें कि अलेक्जेंडर जो था वो जीत गया और पोरस की हार हुई, ठीक है। 326 BC में बैटल हुई, बैटल ऑफ वितस्ता, जिसमें कि जो अलेक्जेंडर था वो जीत गया, और जो पोरस था इसकी क्या हुई, इसकी डिफीट हुई, इसको डिफीट मिली। और इसके बाद ही जो अलेक्जेंडर था उसने इंडिया में दो नई सिटीज बनाई, एक को नाम दिया गया निकाय और दूसरे को नाम दिया गया बुकापेला, ठीक है। दो सिटीज बनाई अलेक्जेंडर ने इंडिया में, एक को नाम दिया गया निकाय, दूसरे को नाम दिया गया बुकापेला। ये जो निकाय है इसका ही नाम विजयनगर रखा गया, आगे जाके हम पढ़ेंगे विजयनगर एम्पायर के बारे में भी, ठीक है। इसी को विजयनगर नाम दिया गया, और ये जो बुकापेला नाम था ये अलेक्जेंडर ने रखा अपने हॉर्स के नाम के लिए, ठीक है। जो उसका हॉर्स था उसका नाम भी बुकापेला था, तो अपने हॉर्स के नाम पे इसने क्या किया, दूसरी सिटी का नाम जो था वो रखा, ठीक है। तो अलेक्जेंडर ने दो सिटीज बनाई, निकाय और बुकापेला। निकाय का नाम विजयनगर और बुकापेला जो था उसका नाम हॉर्स के, इसके हॉर्स के नाम पे रखा गया, ठीक है। और इसके बाद 323 BC में क्या हुआ, अलेक्जेंडर की डेथ हो गई, 323 BC में अलेक्जेंडर डाइड, अलेक्जेंडर की डेथ हो गई, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका प्री मौर्यन पीरियड जो है वो खत्म हो जाता है, और इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मौर्यन पीरियड के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम मौर्यन पीरियड स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि जो लास्ट रूलर था, ठीक है, लास्ट रूलर जो था नंद डायनेस्टी का,
उसको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मार दिया गया है और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो नेक्स्ट रूलर बन के आ चुका है। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय सभी को एंड थैंक यू।